आई एम श्रद्धा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर रेसिपी। तो सबसे पहले अगर हमें चार लोगों के लिए कढ़ाई पनीर बनानी है तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें आए पनीर की क्यूब्स मैंने पहले से काट रखी हैं, ये अबाउट 250 ग्राम पनीर है। ये टमाटर की प्यूरी है, टोमेटो प्यूरी। इसके लिए हमें 2 मीडियम साइज टोमेटो चाहिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए और आपकी टोमेटो प्यूरी रेडी हो जाएगी। 2 मीडियम साइज अनियन फाइनली चॉप, 2 मध्यम आकार के प्याज हैं जो कि बारीक कटे हुए हैं, 3-4 ग्रीन चिलीज, 3-4 हरी मिर्ची थी जिसको मैंने बीच से काट लिया, स्प्लिट कर लिया है, सॉल्ट टेस्ट टू अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपके स्वाद के अनुसार, सेलेंट्रो लीव्स फाइनली चॉप्ड, हरी धनिया बारीक कटी हुई और ये थोड़ी सी शिमला मिर्च है, ये एक छोटी शिमला मिर्च थी, ये भी बीच से स्प्लिट की गई है हॉरिजॉन्टली लंबी लंबी, और ऑयल फॉर फ्राई, तेल फ्राई करने के लिए तेल चाहिए, एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी हमें क्रीम चाहिए अबाउट 1 टेबल स्पून, एंड टर्मरिक पाउडर एंड गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून एंड गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कढ़ाई पनीर बनाना। उसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं और उस पर हम अपनी कढ़ाई चढ़ा देते हैं और फ्राई करने के लिए हम ऑयल इसमें डाल देते हैं, तब तक ऑयल इसमें हीट हो जाएगा। बस ज़रा सा ऑयल और थोड़ा सा हीट हो फिर हम इसमें अपनी ग्रीन चिलीज से स्टार्ट करते हैं डालना। अब हम इसमें ये अपनी ग्रीन चिलीज डाल रहे हैं, और हमें जो मेरी वेजीज हैं ये ग्रीन चिलीज या शिमला मिर्च, कैप्सिकम या अनियन, ये हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये कढ़ाई पनीर है, हम थोड़ा इसे चाइनीज स्टाइल में बना रहे हैं, इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा स्वेट करेंगे ताकि ये हल्का सा पक जाए, कच्चा ना रह जाए, और ज़्यादा हमें इसे हाई हीट पे ज़्यादा देर पकाना नहीं है। देखिए अभी ये ग्रीन चिली थोड़ा पकना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें अपना अनियन ऐड कर देंगे। इस तरह से और हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं, चला लेते हैं। और इसमें हम अभी 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करने के लिए फ्राई कर रहे हो, टमाटर है या ग्रीन चिलीज है या स्पेशली अगर अनियन है, तो क्या होता है कि आप अगर इसमें नमक ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये जल्दी फ्राई हो जाता है और हल्का गोल्डन ब्राउन में टर्न हो जाता है, थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो अब हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक का पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, और जैसा कि घर पे बनता है तो काफ़ी हेल्दी और हाइजीनिक भी है, और पनीर है इसमें, टोमेटोज हैं, वेजीज हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी है, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी वेजीज ऐड कर सकते हैं, लाइक कैबेज हो गया या कैरेट या जो भी है वेजीज, आप जितनी वेजीज ऐड करेंगे उतना ही टेस्टी, उतना ही हेल्दी आपका डिश तैयार होगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। देखिए प्याज पक रहा है, चिली भी साथ में, और ये थोड़ा सा और पकाना हमें इसे, उसके बाद हम इसमें कैप्सिकम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे।
अभी हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। जब हम इसमें शिमला मिर्च पकाने के बाद टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला बे लीफ तेज पत्ता ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, 2 cloves लौंग और 1 बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा गरम मसाले का जो टेस्ट होता है वो आ जाएगा और एक फ्रेश अरोमा आएगी गरम मसाले की। प्याज हो चुका है हमारा, अब हम इसमें अपनी कैप्सिकम जो है हमारी शिमला मिर्च ये हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम अपना टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड करेंगे इस तरह से, और हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है। और अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जब आपका अनियन जो है वो गोल्डन ब्राउन होने वाला हो तब उस टाइम पर अगर आप अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अनियन भी पक चुका होता है क्योंकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो जब प्याज आपका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने वाला हो तब आप अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और तब तक आपकी सारी वेजीज भी इसमें अच्छे से पक चुकी होंगी। सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छा सा टेक्सचर आएगा। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 teaspoon हम पहले ऐड कुक कर चुके थे और 2 teaspoon अब हम ऐड कर रहे हैं। अपना 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे एंड 3 to 4 teaspoon गरम मसाला, या मार्केट में पनीर मसाला भी अवेलेबल है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, स्वेट कर लेंगे। इस तरह से एक बहुत बढ़िया बहुत अच्छी सी मसालों की स्मेल आ रही है, अरोमा आ रही है, बहुत सुंदर है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके अबाउट 2 मिनट पकाएंगे। तो अब 2 मिनट हो चुका है और देखिए कितने अच्छे से ये पक भी चुका है, मसाले हमारे सारे मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम है उसे मीडियम कर देंगे। इसे टोमेटो प्यूरी को सारे मसालों के साथ और वेजीज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और वापस से हम इसे कुछ सेकेंड्स के लिए ढक देंगे और ढक करके पकाएंगे। इससे क्या होगा जो हमारा टमाटर है हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाएगा, जो टोमेटो में थोड़ी बहुत वाटर होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारा जो मसाला है काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जब मसाला हमारा अच्छे से पक जाता है तो हल्का हल्का ऑयल रिलीज़ करता है साइड से, तेल छोड़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा मसाला पकना शुरू हो गया है। एक बार इसे हम और देख लेते हैं और पका लेते हैं। ये पक रहा है अच्छे से और बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है मसालों की एंड वेजीज की। और मैंने पहले ही कहा ये थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा हीट पे हमें नहीं पकाना है, लो मीडियम पे थोड़ा सा हमें पकाना है कि हमारी सब्जियां हमारे जो वेजियां मसाले पक जाएं, बहुत ज़्यादा उसे पकाने का टाइम नहीं है।
देखते जा रहे हैं। देखिए अब ये धीरे धीरे जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है और ऑयल धीरे धीरे किनारे पे छोड़ रहा है, ये इसका मतलब ये मसाले पक रहे हैं। अब अबाउट 1 टीस्पून क्रीम डालते हैं। बस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा कलर आ रहा है। और इसे थोड़ा 2 मिनट के लिए ढक देंगे और अच्छे से एकदम पकने देंगे। तो 2 मिनट बाद हम देखें हमारा मसाला काफी अच्छे से पक चुका है। ग्रेवी हमारी तैयार है सब्जी की। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स जो है वो ऐड कर देंगे। और पनीर के क्यूब्स आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, इस छोटे स्मॉल साइज में, मीडियम साइज या बिग साइजेस। मैंने बिग साइज में किए हैं और बहुत लोगों को ये जो है पनीर पहले फ्राई हो जाता है, फ्राई जब पनीर के क्यूब्स यूज़ करते हैं सब्जियों में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि चाइनीज स्टाइल में बना रही हूँ, तो ये इसमें विदाउट फ्राइड क्यूब्स हम यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें सिलेंट्रो लीव्स, धनिया पत्ती डाल देंगे फॉर गुड लुकिंग एंड गुड अरोमा एंड ऑल्सो गुड टेस्ट। और हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और अब ये देख रहे हैं जैसा दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी अरोमा भी बहुत अच्छी है। और आपने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ही कम टाइम में पक गया और ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ा हमें इसे, और ज़्यादा पका नहीं है, ज़्यादा भुना नहीं, इसलिए इसकी जो वेजीज के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गुड थिंग्स होती है, वो भी बनी हुई हैं। और ये काफ़ी हेल्दी और हाइजीनिक डिश है और बहुत कम टाइम में बना है। तो आप इसे अपने किसी भी फंक्शन में, किसी भी गेट टुगेदर या छोटी मोटी पार्टीज में आप इसे होममेड बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं घर पे। और हमारी सब्जी लगभग तैयार है। मुझे ग्रेवी इसकी गाढ़ी रखनी है। अगर आप इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली करना चाहते हैं थोड़ा वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर मी दिस इज सफिशियंट। मैं इसमें वाटर नहीं यूज़ करूँगी। थोड़ी सी फ्लेम हम इसकी हाई कर लेंगे और सब्जी हमारी लगभग तैयार है। तो हम सर्विंग बाउल लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है और मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करूँगी, क्योंकि कहते हैं अगर खाना बढ़िया है और प्लस वो सर्व करने में भी दिखने में अच्छा है तो भूख थोड़ी और बढ़ जाती है। और मेरी सब्जी एकदम तैयार है, चाइनीज स्टाइल कढ़ाई पनीर। अब हम इसे गैस को फ्लेम टर्न ऑफ कर लेंगे एंड हम अपनी सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लेंगे इस तरह से। सर्व कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे ये अनियन रिंग्स निकाल रखी हैं पहले से, इससे हम इसे गार्निश कर देंगे। इस तरह से आप इसे अपनी क्रिएटिविटी के साथ किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं।
हमारी सब्जी तैयार है और हम इसे गार्निश भी कर चुके हैं। और इसी तरह की रेसिपीज़ हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अपने कुछ एडवाइसेज हैं या कोई क्वेश्चंस है तो वो भी अपने कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस तरह आप चाइनीज़ स्टाइल या चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल ऑफ कढ़ाई पनीर इन्जॉय करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।